हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। मैं आप लोगों को क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश पढ़ाती हूँ। प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ और मैंने कुछ पढ़ा भी दिया है। टेंस में तीन पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों मैंने पढ़ा दिया। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अक्सर बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बहुत डरते हैं क्योंकि बहुत लंबा टेंस चला जाता है बाकी टेंसों की अपेक्षा और इसमें टाइम भी दिया रहता है, तो बच्चों को समझ में नहीं कहाँ पे सिंस का यूज करें, कहाँ पे फॉर का करें, कहाँ पे हैज बिन लगाएं, कहाँ पे हैव बिन लगाएं, कहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, कहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एकदम देसी भाषा में, एकदम इजी से इजी, जिस लैंग्वेज में आप लोग समझो उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप ये वीडियो इन तक देखना, उसके बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपने मेरी टेंस वाली वीडियो देखी है तो ये जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये अपने बड़े भाई कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से काफी सिमिलर है। मतलब चेहरा इसका काफी मिलता होता है, चार भाई रहते हैं तो किसी का किसी से चेहरा बहुत मिलता जुलता है, तो इसी तरह इसका भी कुछ जो रूल है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बहुत ज्यादा सिमिलर है। थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं। पहचान, देखिए टेंस हो या फिर कोई इंसान हो, सबकी कुछ ना कुछ पहचान होती है, तो टेंस का भी पहचान है। इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। आप कहोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो हाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से तो मैंने कहा कि सिमिलर है, ये काफी सिमिलर है अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले भाई से, काफी मिलता जुलता है। लेकिन 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 लिखा लेकिन वाक्य के अंत में समय दिया रहता है। क्या रहता है? वाक्य के अंत में समय दिया रहता है। तो क्या है? इस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन उस वाक्य के अंत में आप लोगों को समय मिला रहेगा। 2 घंटा, 2 साल, 6 महीने, 5 बजे, इस तरह से टाइमिंग दिया रहेगा। यही एक चीज अलग बना देती है इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नियम भी, सबके कुछ ना कुछ नियम होते हैं ना लाइफ में, तो कैसे आप क्या चीज़ें फॉलो करते हो, क्या आप अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो, क्या नहीं करते हो, इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी रूल है, नियम है। नियम क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। कर्ता नहीं जानते हैं? अरे जैसे गांव में बोला जाता है, अरे कर्ता जो कुछ हो, कुछ जो करता, तो करता मतलब कुछ आप करिए, और सब्जेक्ट भी वही करता है, कुछ ना कुछ वाक्य में करता है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये थकता नहीं है, ये लेजी नहीं है, ये आलसी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी। तो सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट रहता है। फिर हैज बीन या हैव बीन, कहाँ पे हैज बीन लगता है, कहाँ पे हैव बीन लगता है, मैं आप लोग को बता दूंगी। वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगता है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर टाइम दिया रहता है। तो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन प्लस हैव बीन, फिर वर्ब में यानी क्रिया में। क्रिया नहीं समझ रहे, खाना पीना दौड़ना हंसना की जो मीनिंग है उसमें आप आईएनजी ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे। ऑब्जेक्ट, अदर, फिर क्या है? टाइम है। अब जैसे श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, श्याम 2 घंटे से खेल रहा है। अगर आप 1 मिनट के लिए ये 2 घंटा हटा दो तो क्या है? 2 घंटे से हटा दो तो श्याम गेंद खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन यही आप एक चीज ध्यान रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया ही रहेगा। अगर समय नहीं दिया है तो वो तुरंत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस माना जाएगा। तो ठीक है, तो श्याम 2 घंटे से खेल रहा है, रहा है मिल रहा आपको। मैंने पहचान में बताया था कि इन इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। अब है वे 1985 से इस मकान में रह रहे हैं, वे 1985 से, तो क्या है? रहे हैं, और टाइमिंग दिया हुआ है कि 1985 से वे इस मकान में रह रहे हैं। तो चलिए देखते कैसे बनेगा। अब श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, सब्जेक्ट है श्याम, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन है, तो कौन का जवाब लगाइए, कौन लगाइए, कौन खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, तो कौन का जवाब जो मिले ना वही हमारा सब्जेक्ट होता है किसी भी टेंस में। वे 1985 में इस मकान में रह रहे हैं, तो कौन रह रहा है? वे रह रहे हैं, तो वे हमारा सब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से तो श्याम का लिखेंगे, श्याम सब्जेक्ट पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे मामला है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन कहाँ लगाना है, हैव बीन कहाँ लगाना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए रोकिए और मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ क्लियरली कि हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा, हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा। तो मैं आप लोग को 2 परिवारों से मिलाती हूँ, मिलने के लिए तैयार है आप लोग, एक्साइटेड हैं, तो चलिए मैं मिलवाती हूँ। पहले फैमिली है सिंगुलर फैमिली यानी एकवचन परिवार, और दूसरी फैमिली है प्लूरल फैमिली। थोड़ी ये प्लूरल फैमिली थोड़ी एडवांस फैमिली है, और ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, नॉर्मल फैमिली है।
ये जो सिंगुलर फैमिली है. अब सिंगुलर फैमिली में मेंबर रहते हैं ही, वह, सी, इट, दुनिया का कोई नाम. दुनिया का कोई नाम यानी कि दुनिया जो जिनकी संख्या एक हो, कोई नाम है तो कोई एक ही संख्या होगी. तो एक वचन कहने का मतलब है एक वचन के लिए कोई नाम रहता है या फिर कोई चीज जो एक वचन है, तो वहां पे हम लोग हैज बीन का प्रयोग करते हैं. यानी सिंगुलर फैमिली के मेंबर आपको सेंटेंसेस में दिख रहे हैं तो आपको हैज बीन का उपयोग करना है, हैज बीन का प्रयोग करना है. ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया. दुनिया के कोई नाम में बताइए श्याम का नाम है कि नहीं, है ना? श्याम के नाम का दुनिया के किसी नाम में आ गया. अब चलिए यहाँ पे हो गया, तो ये सिंगुलर फैमिली ग्रामर वाले कहें आप हैज बीन ले लीजिए, कोई कोई बात नहीं. हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जो देंगे वही स्वीकार होगा. अब आ जाइए प्लूरल फैमिली. ये लोग थोड़ा एडवांस है, इन्हें एडवांस मतलब हाई लेवल का डिमांड इनका रहता है. तो प्लूरल फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं? यू, दे, वी, आई, बहुवचन करता. यू क्या है? प्लूरल फैमिली का मेंबर है दे, वी, आई. यू मिस तुम, दे मिस वे, वी मिस हम, आई मिस मैं. बहुवचन करता मतलब बहुवचन नाम. बहुवचन नाम नहीं समझे, जैसे बकरी. बकरी दुनिया के कोई नाम में आ गई, लेकिन बकरियां बहुवचन हो गया, एक से अधिक की संख्या हो गई. तो बकरियां यहां आ जाएगी, बकरी यहां आ जाएगी. कुत्ता दुनिया के कोई नाम में आ जाएगा, कुत्ते यानी कि एक से ज्यादा संख्या हो गया, तो ये बहुवचनकर्ता में आ जाएगा. समझ गए? तो यहां पे लगेगा हैव बीन. ठीक है, तो सिंगुलर फैमिली हमेशा हैज बीन लेगा और प्लूरल फैमिली के मेंबर हमेशा हैव बीन लेंगे. अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए श्याम, श्याम दुनिया के कोई नाम में आ गया. अब आप कहोगे यहाँ पे हैज बीन लगा दीजिए, तो श्याम हैज बीन. श्याम हैज बीन वर्ब में आईएनजी, क्रिया में आईएनजी लगाना है. तो खेलना, प्लेइंग, श्याम हैज बीन प्लेइंग. अब दो घंटे से ये कहां पे सिंस लगेगा, कहां पे फॉर लगेगा, मैं आप लोग को अभी बता देती हूं. तो दो घंटा एक निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे फॉर होगा, फॉर टू आवर्स. For 2 hours, Sam has been playing. Oh, playing ball. Sorry. Playing ball for 2 hours. अब है वे 1985 से इस मकान में रह रहे हैं. अब बताइए वे किस फैमिली मेंबर में है? इस फैमिली मेंबर में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं. वे जो है ये प्लूरल फैमिली, एडवांस फैमिली का मेंबर है. तो यहाँ पे लिखेंगे दे. और जब एडवांस फैमिली का है तो हैव बीन का यूज होगा. दे हैव बीन Living, verb में ing, in this house, since क्यों लगेगा, for क्यों लगेगा, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ. Since 1985, ठीक. They have been living in this house since 1985. ध्यान रहे जब मकान रहे तो house और जब घर रहे तो home. ठीक है, अब आ जाइए कहाँ पे सिंस लगाएं, कहाँ पे फॉर लगाएं. ये पूरे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पे गलतियां ही होती है, कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है. तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं जब समय निश्चित रहता है. जैसे बजों के साथ, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 11 बजे, 12 बजे अगर आपको मिल जाता है तो क्या लगाओगे? बजों के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग करोगे. 12 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, इस तरह से आप क्या लगाओगे? तो सिंस का प्रयोग करोगे. यहाँ पे देखिए सिंस 5 o'clock. अगर है कि मैं 5 बजे से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock. ठीक. अब है दिनों के नाम से पहले. दिन जैसे सोमवार, मंगलवार, यानी पूरे हफ्ते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार. अगर आज आ गया मैं सोमवार से ये काम कर रहा हूं, तो सिंस मंडे, दिनों के नाम के साथ भी क्या लगाओगे? मैंने लिख दिया, इसीलिए दिनों के नाम से पहले भी सिंस का प्रयोग करेंगे. महीनों के नाम से पहले, पूरे 12 महीने में कोई भी महीना आ जाता है कि मैं जनवरी से आ रहा हूं, मैं जनवरी से पढ़ रही हूं, मैं जनवरी से खेल रही हूं, मैं जनवरी से ही ये देख रही हूं, तो आप क्या लगाओगे वहां पे? वहां पे आप सिंस जनवरी यानी कि सिंस का यूज करोगे. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी मंथ हो तो आपको क्या करना है? सिंस का यूज करना. वर्षों के नाम से पहले, वर्ष नहीं समझे,
जैसे 2022, 2020, 1985 होता नहीं है कि मैं 1985 से ये काम कर रहा हूँ, मैं 1990 से उन्हें जान रहा हूँ, मैं ये चीज 1955 से देख रहा हूँ, तो कुछ भी आ जाता है। तो देखिए सिंस यहाँ पे जैसे आया था, देख लीजिए वे 1985 से इस मकान में रह रहे हैं, तो 1985 एक निश्चित समय, हाँ इस समय से पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि इस समय से वो इस मकान में रह रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम वर्षों के नाम से पहले भी हमको, जैसे सिंस 1980, ठीक। फिर है दिनों के भागों के नाम से पहले, नहीं समझे, अरे जैसे दिन में आप मॉर्निंग में किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो, तो क्या गुड मॉर्निंग अगर बोलना है सुबह के लिए, नून दोपहर के लिए, इवनिंग के लिए अगर आप लगाते हो कि मैं शाम से टहल रहा हूँ, तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस इवनिंग। तो इस तरह से दिनों के भागों के नाम से पहले, जैसे लास्ट नाइट, इसके लिए भी आप सिंस का यूज करोगे, एस्टरडे, टुमारो, इन सब चीजों के लिए भी एस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इन दिनों के भागों के नाम से पहले भी आप लोग सिंस का प्रयोग करोगे। इसको आप लिख लीजिएगा, जहां भी आप मतलब उतारो इसको लिख लो कि इन पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग इन चीजों के साथ होता है। अब आए फॉर, फॉर का काम पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, आप परेशान मत हो। घंटों के गिनती से पहले, जैसे 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा अगर आ जाता है कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ा हूँ, मैं 4 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 घंटे से सो रही हूँ, तो वहां पे आपको सिंस का प्रयोग नहीं करना है बल्कि फॉर का प्रयोग करना है। अनिश्चित है, पता नहीं कब का, दिन के 6 घंटे से सो रही है कि रात के 6 घंटे से सो रही है, निश्चित नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। दिनों के गिनती से पहले, जैसे 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ठीक है, 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज अगर इस तरह से आ जाए तब भी आपको फॉर का यूज करना। फिर महीनों की गिनती से पहले, 6 महीना 8 महीना 9 महीना अगर इस तरह से आ रहा है तब भी आपको सेंटेंसेस में फॉर का यूज करना है। वर्षों की गिनती से पहले, 16 वर्ष 17 वर्ष 18 वर्ष, फॉर 16 ईयर्स। एक चीज आप यहाँ पे ट्रिक देखो कि आप सब में नोटिस कर रहे होगे कि 2 5 6 16 नंबर आ रहे हैं, सीधा सा ट्रिक डाल लो ना कि जहाँ पे नंबरिंग मिले आपको, 6 महीना 6 दिन 6 घंटे 6, बस बजे नहीं, बजे वाले सिस्टम में नहीं, 2 घंटा 5 दिन 6 महीने 16 साल, इस तरह से जब आपको नंबर मिल रहा है, डिजिट मिल रहा है, तो वहाँ पे आप इजली फॉर का यूज कर दो। लेकिन यहाँ इन सब के साथ, महीनों के साथ, दिनों के साथ, बजों के साथ, वर्षों के साथ, आप क्या करोगे, सिंस का यूज करोगे। यहाँ पे नंबरिंग नहीं रहेगा, महीनों के नाम से पहले है ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात हो रही है, अगर आ गया 5 महीने 6 महीने तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करोगे। तो समझ गए, अब हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या, पहाड़ टूट जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बच्चे डरते ही जाते हैं, जैसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बढ़ता गया तो वो डरते ही जाते हैं, लेकिन नहीं, बहुत माइनूट, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आया, ई नॉट वाला ना, ई हैच को थोड़ा सा घिसकाया, बीन को कहा थोड़ा थोड़ा घिसको तो बीच में एडजस्ट हो गया। ये भी बच्चे गलती करते हैं, कहाँ पे, तो बीच में, हैज नॉट बीन, जैसे मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं 2-3 लोग, अब थोड़ा सा जाके घिसके, बाहर घिसका तो बाहर घिसका, बीच में बैठ जाइए, तो क्या हुआ है, वही हाल है इसका कि हैच को थोड़ा सा घिसकाया, बीन को थोड़ा सा घिसकाया, नॉट वाला बीच में एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन प्लस हैव नॉट बीन, तो प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस टाइम, वही है, बस यहाँ पे हैज नॉट हो गया है, जब सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तब। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते एकदम बढ़िया से, वह 2 घंटों से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहा है, वह जो है एक वचन है, ठीक, वह 2 घंटों से पतंग नहीं उड़ा रहा है। पहले तो आप ये बताओ कि वह किस फैमिली का मेंबर है, मैंने बताया था ना सिंगुलर फैमिली प्लूरल फैमिली इंट्रोड्यूस करवाया था, तो सिंगुलर फैमिली और प्लूरल फैमिली के मेंबर को आप अपने माइंड में रख लो, या फिर जब भी टेंस बनाओ उसको फिगर आउट कर लो कि सिंगुलर फैमिली के मेंबर है, प्लूरल फैमिली के मेंबर है, ये हैज नॉट बीन लेंगे, ये हैव नॉट बीन लेंगे, तो सिंगुलर फैमिली के मेंबर हैज नॉट बीन लेंगे और प्लूरल फैमिली के मेंबर हैव नॉट बीन लेंगे, तो वह क्या है, एक वचन है, सिंगुलर फैमिली का मेंबर है, तो लिखेंगे ही, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, उड़ाना का फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाइंग काइट। अब 2 घंटों से, अब 2 घंटा निश्चित है क्या, अनिश्चित, अरे भैया निश्चित है,
कब के 2 घंटे, दोपहर के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, दिन, कब के 2 घंटे अनिश्चित हुआ ना, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। वैसे भी घंटों के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो काइट फॉर 2 आवर्स, ध्यान रखिएगा इसको हावर्स नहीं आवर्स पढ़ते हैं, यच जो है साइलेंट है। मैं 4 सालों से नहीं पढ़ रहा हूँ, अजीब पॉप, इतना साल से कौन पढ़ाई छोड़ता है। तो सेंटेंस मैं 4 सालों से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं किस फैमिली का है, जाके देख लीजिए, मैं प्लूरल फैमिली का है, इसके साथ हैव नॉट बीन लगेगा। तो आई हैव नॉट बीन, पढ़ना का आई हैव नॉट बीन रीडिंग। अब 4 साल आप कहोगे निश्चित है, नहीं निश्चित नहीं है। जहां भी आप डिजिट, आपको नंबर मिल जा रहा है 4, 6, 5, 10, 11, 12 मिल जा रहा है, वहां पे आप फॉर का यूज करोगे, बस बजे वाला सेंस छोड़ के। अगर 4 बजे रहता तो आप सेंस ही यूज करोगे, लेकिन 4 साल, 4 दिन, 4 महीने, 4 हफ्ता, अगर कुछ भी इनमें से रहता तो आप फॉर का ही यूज करोगे, क्योंकि उसके अंदर, उसके आगे डिजिट लगा हुआ है, निश्चित समय है। तो फॉर 4 आवर्स, ओ सॉरी, सालों से, 4 ईयर्स। फिर है, हम सोमवार से केला नहीं बेच रहे हैं, जैसे कोई बता रहा है कि हम सोमवार से केला नहीं बेच रहे हैं, और हम प्लूरल फैमिली का मेंबर है, तो वी प्लूरल फैमिली का मेंबर है, तो हैव नॉट बीन लेगा, तो वी हैव नॉट वाला बीच में आएगा, जान लीजिए, वी हैव नॉट, ऐसा नहीं वी हैव बीन नॉट, बिल्कुल नहीं, ये बीच में घुसका के बैठेगा, ये बीच में बैठेगा। वी हैव नॉट बीन, बेचना का होता है सेल, सेलिंग, बनाना। अब मंडे निश्चित है भाई, सोमवार से कुछ बेच रहे हैं, उसमें आगे पीछे क्या, सोमवार निश्चित है। सिंस मंडे, ठीक, वे 2002 से नहीं खेल रहे हैं, जैसे कोई भी क्रिकेटर है, फिर मान लीजिए कोई टीम है, तो आप कह सकते हो कि वे 2002 से नहीं खेल रहे हैं। तो 2002 क्या है, निश्चित है, क्या निश्चित है, निश्चित है भाई, एकदम एग्जैक्ट एट द पॉइंट टाइम बताया जा रहा है कि वे 2002 से नहीं खेल रहे हैं, तो हो जाएगा। पहली बात तो वे प्लूरल फैमिली का मेंबर है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, अगर रहता है कि वे 2002 से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, 2002 से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे 2002 से हॉकी नहीं खेल रहे हैं, तो आप लिखोगे दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, फॉर नहीं लगेगा, सिंस, सिंस 2002, ठीक। अब है मरियम 3 बजे से चावल नहीं बीन रही है, मरियम जो है 3 बजे से चावल नहीं बीन रही है, तो लिखेंगे मरियम, मरियम दुनिया के कोई नाम में शामिल है, मैंने बताया था सिंगुलर फैमिली में ही सी इट, दुनिया का कोई नाम अगर रहता है आप हैज नॉट बीन का यूज करोगे। मरियम, मरियम हैज नॉट बीन, पिक मिस होता है चावल बीनना, PICK, पिक, तो मरियम हैज नॉट बीन पिकिंग राइस सिंस 3 o'clock, ध्यान रहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 1 से 100 में जितना भी बजे आप लगा रहे हो वहां पे सिंस का यूज करोगे, भले से ही वहां पे डिजिट नंबर, मतलब नंबर दिया हो, लेकिन बजे छोड़ के 3 दिन, 4 दिन, 3 हफ्ता, 3 महीना, 3 साल अगर रहता है आप फॉर का यूज करोगे। मैंने लिखा हुआ ही, आप लोग देख लो, बजों के साथ दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, वर्षों के नाम से पहले, दिनों के भागों के नाम से पहले, मॉर्निंग वॉर्निंग की बात हो रही है, इनके लिए क्या लगेगा, सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम और ये पीरियड ऑफ टाइम। अब मैं इंट्रोगेटिव आप लोग को दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी बहुत ही विस्तार से, क्योंकि इसको पूरा अच्छे से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले आप, मेरी एक वीडियो है फूफा जी वाली, उसमें मैंने इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों 2 तरह से, मैंने उसको बताया है, आप उसको देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।